सच्चाई दिखा रहे हैं। इसमें देखिए कश्मीर पे बहुत ही फिल्में बनी हैं, बजरंगी भाईजान आप जिसको कहे, तो बहुत एक रोमांटिक, एक बच्ची को किडनैप, ये वो बच्ची खो गई उस पर है। उसको अगर हर कोई सब कुछ खूबसूरत 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 दिखाएगा तो कैसे चलेगा। वो भी बहुत अच्छी टचिंग स्टोरी थी, एक लड़की को खोना और आ जाना कश्मीर में और वो अपनी माँ को, उस बेटी को देना। ये जो एक मुद्दा है वो बहुत ही डिफरेंट मुद्दा है। हर कोई खूबसूरत खूबसूरत दिखाएगा तो कैसे चलेगा, लेकिन वो जो असली मुद्दे हैं उसे कौन बताएगा। खूबसूरत कश्मीर के पीछे जो दरिंदगी है, जो आतंक है, जो लड़कियों के वहाँ पे उन कश्मीरी लड़कियों के साथ घर में घुस के क्या हुआ, कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था, उनके बच्चों के साथ क्या हुआ, जिहाद कैसे शुरू हुआ, ये मौलाओं ने, मौलाना जो लोग हैं उन्होंने कश्मीर के लोगों को, बॉर्डर को, हमारे जवानों को कैसे इस्तेमाल किया, फौजियों को, मतलब मेरा तो एक बहुत छोटा सा कैरेक्टर इसमें, छोटा सा बट मैं एक पाकिस्तानी लड़की का रोल अदा कर रही हूँ। मेरा इसमें एक गाना भी है, आपने देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक लव स्टोरी के साथ कश्मीर के जो रियल मुद्दे हैं वो दिखाए गए, जो दरिंदगी है, जो कश्मीर खूबसूरत कश्मीर हिंदुस्तान का दिल है, लेकिन उनके उनके अंदर जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनके साथ क्या घटना घटी है ये तो किसी ने नहीं जाना। तो वो घटना जो है उसके ऊपर ये फिल्म बनी है। हितेन जी ने बहुत ही बेहतर इसमें एक कश्मीरी लड़के का रोल किया है जिसको एक मुसलमान लड़की से प्यार हो जाता है। प्यार तो किसी से भी हो सकता है ना, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लव स्टोरी जी। जैसे आपने कहा मौलाना खरकी होते हैं, तो बहुत सारे मौलाना कल से आपको कमेंट भी लिखने लगेंगे। मैं चाहती हूँ सारे मौलाना मुझे कमेंट लिखे लिखे, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे। वैसे मैं उन मौलानाओं के बारे में बोलती हूँ जो मौलाना जो है वो जिहाद के लिए छोटे छोटे बच्चों को हाथ में किताब के बदले, मिठाई के बदले गन दे देते हैं। मैं उन मौलानाओं के बारे में बोल रही हूँ जो छोटे छोटे बच्चों का, बच्चों को दिमाग भ्रष्ट करते हैं। मैं उन मौलानाओं के बारे में बात करती हूँ जो बच्चों को ज़बरदस्ती ह्यूमन बॉम्ब बनाते हैं और ज़बरदस्ती आतंक सिखाते हैं, ज़बरदस्ती टेररिस्ट बनाते हैं। मैं उन मौलाना के बारे में बोल रही हूँ। मैं हर मौलाना के बारे में नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे मौलाना है जिनको मैं जानती हूँ, वो बहुत ही नेक है और वो अल्लाह के बंदे हैं। थैंक यू। हाँ जी, वो थोड़ा बाद में कर लेंगे।